अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कुछ तलबा तलबात ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर वो अपना रोल नंबर भूल गए हैं तो वो अपना रिज़ल्ट कैसे हासिल करें। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी नेगलिजेंसी होती है कि हम अपना रोल नंबर भूल जाते हैं या उसको कहीं सेव नहीं करके रखते। तो हमें चाहिए कि हम अपना रोल नंबर हमेशा एक सिक्योर प्लेस पे या कहीं भी सेव करके रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसको उसका इस्तेमाल किया जाए। तो बहरहाल अगर आप रोल नंबर भूल गए हैं तो आप परेशान ना हुआ करें। जब भी रिज़ल्ट आता है आपका रिज़ल्ट जो है वो बगैर रोल नंबर के भी जो है वो चेक किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो याद होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है यूनिवर्सिटी का तो आप उसके थ्रू भी अपना रिज़ल्ट जो है वो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बेहतरीन सबसे जो तरीका है आपको यूनिवर्सिटी ही विज़िट करना पड़ेगा, आकर एडमिन ब्लॉक में MA MSc सेक्शन या BA BSc सेक्शन जहाँ का भी आपका रिज़ल्ट है उससे मुतलका सेक्शन आप विज़िट करें, उनको अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं। वो आपको जो है उसी वक्त अपने डेटाबेस कंप्यूटर सिस्टम में चेक करके आपको रिज़ल्ट जो है वो बता देंगे। ठीक है, और सेकेंडली जो है UAN नंबर पे कॉल करके आप एक दफ़ा ट्राई कर लें, हो सकता है आपको UAN के नंबर के थ्रू भी आपको वो जो है रिज़ल्ट बता दें। या फिर आप इनको इनकी जो इंक्वायरी ईमेल है उसके ऊपर ईमेल करें आप। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ईमेल कर दें, जी हाँ मुझे काइंडली मेरे रिज़ल्ट का जो है वो स्टेटस बताया जाए। ठीक है, तो इस तरह जो है आप लोग अपना रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोशिश किया करें अपना रोल नंबर हमेशा एक किसी जगह पर सेव कर दिया करें ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप रिज़ल्ट अपना चेक कर सकें। ठीक है, ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन थी। फर्दर इस तरह की अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।